आज बात आतंकी संगठन बोको हराम पर होगी। बताएंगे क्या है एवं क्यों चर्चा में है। इसी के साथ इसके पूरे बैकग्राउंड पर बात होगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले बात करते हैं बोको हराम क्यों चर्चा में रहा। अफ्रीका में पूरी तरह से खतरनाक आतंकी संगठन बोको हराम ने पश्चिमी शिक्षा और मान्यताओं के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। यहाँ तक कि बोको हराम वोट डालने वालों को भी जान से मार देता है। बोको हराम का नाम भर सुनने से ही अफ्रीका के लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इस कुख्यात आतंकी संगठन ने अभी हाल ही में नाइजीरिया में 110 बेगुनाह लोगों का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि यह लोग धान के खेतों में काम करने वाले किसान थे। इस कुख्यात संगठन का यह पहला हमला नहीं है। बोको हराम ऐसी लगातार घटनाओं को अंजाम देता रहा है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी गद्दारी और जासूसी के नाम पर। यह संगठन भयानक करतूतों को लेकर कत्लेआम मचाता आया है। इस बार बोको हराम ने जो कुछ नरसंहार किया है उससे पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस आतंकी संगठन ने अपनी ओर खींचा। इसकी वजह यह है कि इस कुख्यात आतंकी संगठन ने 110 निहत्थे लोगों का सिर शरीर से अलग कर दिया। उन सभी बेगुनाहों को इस आतंकी संगठन जासूसी करने के इल्ज़ाम में पकड़ा था, और इसी के साथ बताया यह भी जा रहा है कि उनमें से कुछ लोगों ने लगान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। और यह सब कृत्य नाइजीरिया के मैदुगरी इलाके में हुआ। इस आतंकी संगठन ने कुछ ऐसा आपराधिक कृत्य कर दिया जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। बोको हराम ने एक ही झटके में एक साथ 110 लोगों को अगवा करके उनका गला काटकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौतें दीं। इस तरह की वारदात ने यह साबित कर दिया कि इस आतंकी संगठन की तादाद इस इलाके में कितनी तेज़ी से अपना पैर पसार रही है, तथा वो नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा इलाकों में अपना दबदबा बना चुके हैं। आइए बात करते हैं कि क्या है बोको हराम तथा इसके बैकग्राउंड के ऊपर। वर्ष 2002 में बना बोको हराम एक चरमपंथी समूह है जो नाइजीरिया से सरकार या किसी भी प्रकार की वहां की सत्ता को हटाकर उसे पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वह है जमात अहल अस सुन्ना लिद दावा उल जिहाद। इसका अर्थ है कि पैगंबर की शिक्षा और जिहाद को बढ़ाने में जुटे हुए लोग। इस कुख्यात आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर मैडुगरी शहर में स्थित है। वैसे तो बात की जाए बोको हराम का नाइजीरिया की भाषा होसा में शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी शिक्षा, हराम यानी कि पश्चिमी शिक्षा वर्जित है। यह कट्टरपंथी संगठन जो है वह इस्लाम को मानने वाला संगठन है, और यह मानता है कि मुसलमानों को पश्चिमी तौर तरीके रहन सहन से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर शैक्षिक हो। इस आतंकी संगठन द्वारा इलेक्शन में वोट डालना भी अपराध माना गया है। आधुनिक कपड़े पहनना या फिर लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी इस संगठन द्वारा बैन किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को अंजाम देने के लिए 2002 में मुस्लिम धर्म गुरु मोहम्मद यूसुफ ने बोको हराम संगठन की शुरुआत की। शुरू शुरू में इस आतंकी संगठन के पास एक मस्जिद थी और इस्लामी शिक्षा देने वाला स्कूल था। यह गरीब बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाता लिखाता था। इससे इसके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा गरीबी झेलने वाले बच्चे पढ़ाई करने के लिए आने लगे, लेकिन उसके बाद यह संगठन इन बच्चों का ब्रेन वॉश करने लगा बोको हराम के द्वारा जल्द ही एक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत की। इस्लामिक देश बनाने के लिए स्कूल में पढ़ाई की जगह अपने ही कट्टर जिहादी शामिल करने लगा, तथा मासूम बच्चों के दिमाग को भ्रमित करने लगा, तथा उन्हें हथियार चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसी के साथ साल 2009 में इस कट्टरपंथी संगठन ने अपने ट्रेंड जिहादियों को लेकर नाइजीरिया की प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमले में पुलिस इस कट्टरपंथी संगठन के ऊपर भारी पड़ गई और बोको हराम समर्थकों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया। इस हमले में अब इस आतंकी संगठन का नेता मोहम्मद यूसुफ मारा गया। इसके बाद यह मान लिया गया कि यह संगठन अब ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह संगठन अगले साल दोबारा फिर से खड़ा हुआ। इसके अलावा यह संगठन लगातार हमले और नरसंहार करता आया। 2014 में इस अत्याचारी संगठन के खिलाफ तब आवाज़ें उठी जब साल 2014 में इसने नाइजीरिया में 276 बच्चियों को अगवा कर लिया। लड़कियों को बोर्डिंग स्कूल से उठाया गया था। इस घटना के बाद ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां पर रखी गई हैं। कहा यह जाता है कि इसकी फंडिंग कई इस्लामी आतंकी संगठन से आता है, जिससे वह अपनी आतंकी गतिविधियाँ तथा अपने जिहादियों को ट्रेनिंग देने के में यूज करता है।